आइए देखते हैं इस दुकान में क्या क्या है. वैसे तो बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं. लेट्स सी. ये वाली माला दिखाना, नीले मोती की जो है. हाँ कितने की है भैया? हाँ 600. बहुत महंगा है. कुछ भी महंगा नहीं है. आप देख सकते हैं कितनी तरह की यहाँ पे रिंग्स हैं और जो मालाएं हैं वो भी कई कई अलग अलग तरह की हैं. आप देख सकते हैं जैसे चौखट पे अगर हम शुभ लाभ लिखवाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में बहुत सारे जिनको बोलते हैं द्वार बंधन बोलते हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे टंगे हुए हैं. ये वाली माला दिखाइए भैया. ये वाली, ये वाली वाली. आप देख सकते हैं कितनी तरह की अलग अलग तरह की मालाएं हैं यहाँ पर. इसको क्या बोलते हैं भैया? ये जो है स्पटिक लिंग. ओके वाव. अब भैया ये क्या है? टेबल. टेबल है ये. अच्छा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन का टेबल है ये. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग राशि की मुझे लगता है ये अंगूठियाँ हैं भैया. इसमें राशि की अंगूठियाँ भी हैं? राशि की अंगूठियाँ नहीं है. अच्छा और ये किस तरह की? ये तो राशि की है. अष्टधाती अंगूठियों को आप देख सकते हैं. और भैया ये क्या है? ये भी दोनों सेम चीज़ है. ये दोनों सेम चीज़ें हैं. इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी क्या महत्व है इसका? ये अष्टधातु का अंगूठी होता है. नौ ग्रहों के लिए काम करता है. नौ ग्रहों के लिए काम करता है. तो अगर किसी पे कुछ प्रॉब्लम या किसी की परेशानी किसी ग्रह में तो उसलिए ये खाली ग्रहों को शांत रखता है. बाकी और किसी की कड़ी संपत्ति ग्रहों को शांत रखने के लिए अंगूठियाँ पहनी जाती हैं. अच्छा जी. आप यहाँ पे मूर्ति भी देख सकते हैं शिव जी की और श्री राम लक्ष्मण सीता माँ की मूर्ति है. बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है ये. वाव. कितनी सुंदर मूर्तियां हैं. माय गॉड. आप देख सकते हैं इधर भी काफी सारी मूर्तियां हैं. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डमरू भी है. सॉरी बजेगा नहीं ये तो. इसको ऐसे आप शिव जी की इस तस्वीर को भी देख सकते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है ये. ऐसा लगता है साक्षात शिव इस मूर्ति में प्रकट हो गए हैं. हर तरह के खिलौने, हर तरह की चीज़ें यहाँ लकड़ियों में सुशोभित हैं. आप चेस भी देख सकते हैं, छोटा चेस. और लट्टू भी है. और छोटे छोटे खड़ाऊ भी हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर.